नमस्कार, प्रस्तुत है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट सीरीज का पार्ट 10 वीडियो। और इस वीडियो में जो हमने पैसेज लिया है वो है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2024 का। वैसे तो ये क्लास 8 9 बोर्ड का है क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी वर्गों के लिए इंग्लिश सीखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में जो मैं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट वाली सीरीज में जो पैसेज मैं दे रहा हूं और जो बता रहा हूं, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं इससे संबंधित ग्रामर जो इसमें है उसको भी थोड़ी मैं बताते चलूं। तो चलिए एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं कि ये सभी वर्गों के लिए इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ 9 के लिए नहीं है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है। और इंग्लिश सीखने के ख्याल से, इंग्लिश ग्रामर के ख्याल से ये जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए पैसेज को, अनुच्छेद को आप पढ़ें और सही ऑप्शन को चुनें। द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम यूजलेस। तो यहां देखिए यूजलेस का अर्थ है बेकार, और ये जो बिकम है, बिकम का मतलब होता है होना, है ना। और इसका ये प्रेजेंट में इसका रूप होता है बिकम, पास्ट में बिकेम और पास्ट पार्टिसिपल में फिर से बिकम हो जाता है। तो यहां जो ये रूप है ये पास्ट पार्टिसिपल वाला रूप है ना। तो ये हैज बिकम ये किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस में। तो इसका अर्थ ये हो गया, दिल्ली में यमुना का नदी का पानी बेकार हो गया है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड एंड हैज रिसीव्ड ई ग्रेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मोस्ट पॉल्यूटेड, बहुत अधिक माने सबसे अधिक प्रदूषित है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। इस नदी का पानी सबसे प्रदूषित है और क्वालिटी के गुणवत्ता के ख्याल से इसे ई ग्रेड मिला है। आपको भी परीक्षाओं में ग्रेड मिलता होगा तो आप जानते हैं कि ई ग्रेड सबसे निम्नतम ग्रेड होता है। दिस इज द लोएस्ट ग्रेड विच इंडिकेट्स द सिवियरिटी ऑफ पॉल्यूशन इन द वाटर। यह सबसे निम्नतम ग्रेड है, लोएस्ट मीन्स निम्नतम ग्रेड, निम्नतम। यह सबसे निम्नतम ग्रेड है जो ये बतलाता है कि पानी का प्रदूषण कितना गंभीर है। सिवियरिटी मतलब गंभीरता। सम 50 इयर्स इगो द वाटर ऑफ द यमुना वॉज क्लियर एंड क्लीन। लगभग 50 वर्ष पहले यमुना का पानी बिल्कुल क्लियर यानी स्वच्छ और साफ था। क्लियर एंड क्लीन, तो क्लियर का अर्थ होता है कि आर पर हम देख सकते हैं और क्लीन मतलब साफ। मेनी मेनी वाटर प्लांट्स सच एज वीड्स एल्गी एंड श्रब्स ग्रीव इन इट्स वाटर और अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। अनेक पानी के पौधे, वाटर प्लांट्स में पानी के पौधे जैसे कि वीड्स, खरपतवार, एल्गी, श्रब्स कहते हैं छोटी छोटी झाड़ियों को, श्रब्स पानी में उगते थे या नदी के किनारे उगते थे। बैंक मतलब यहां होता है किनारा। एक बैंक आप देखते होंगे जहां पैसे जमा करते हैं, लेकिन यहां बैंक का अर्थ है किनारा। दीज प्लांट्स वेयर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक क्रिएचर्स। एक्वेटिक क्रिएचर्स मतलब जलीय जंतु। ये जो पौधे हैं
थे, ये जलीय जंतुओं का मुख्य भोजन के स्रोत थे। अ नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कुड बी सीन अलोंग द रिवर, नदी के किनारे बहुत सारे पानी वाली चिड़िया देखे जा सकती थी। विद द ऑनसेट, ऑनसेट मतलब शुरुआत, विद द ऑनसेट ऑफ विंटर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वुड कम हियर टू फीड इन द यमुना वाटर। सर्दी के शुरुआत से ही हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो दूसरे देशों से आते हैं यमुना में भोजन के लिए आते थे। टू फीड मतलब भोजन करने के लिए आते थे। सैडली दीज वाटर स्पेसीज एंड बर्ड्स हैव वैनिस्ड और डाइड। बहुत दुख के साथ, सैडली में तो दुख दुखपूर्ण बात है कि ये जो वाटर स्पेसीज, जलीय जो स्पेसीज और जो चिड़िया है वो या तो समाप्त हो गए या मर गए। व्हाट वन फाइंड्स नाउ आर रेड वर्म्स कॉल्ड किरोनोमिट्स, किरोनोमिट्स विच लिव इन द मोस्ट अनहाइजेनिक एंड पॉल्यूटेड वाटर। आप जो कोई देख सकता है वो है लाल कीड़े, रेड वॉर्म्स, जिनका नाम है किरोनोमिट्स, जो कि सबसे अनहाइजीनिक मतलब बहुत ही गंदे और सबसे प्रदूषित पानी में मिलते हैं। अब इनके इसके प्रश्नों को देखते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण यह है कि पैसेज के बाद जो प्रश्न दिए होते हैं उनका आंसर हमें पैसे से ही ढूंढना होता है, बाहर से नहीं ढूंढना होता है, ठीक है? और जो पैसेज में उसका आंसर है उसी को हमको मानना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट चेंज कैन बी नोटिस्ड इन द वाटर ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली? दिल्ली में यमुना के नदी के पानी में क्या चेंज हम देख रहे हैं, देख सकते हैं? इट हैज बिकम कोल्ड, ये ठंडा हो गया है। इट हैज बिकम हॉट, ये गर्म हो गया है। इट हैज बिकम प्योर, ये प्योर शुद्ध हो गया है। इट हैज बिकम यूजलेस, तो हमारे पैसेज में ही है, इट हैज बिकम यूजलेस, ये यूजलेस हो गया है। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट ग्रेड हैज बीन गिवेन टू द वाटर ऑफ द यमुना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता के ख्याल से यमुना के पानी को कौन सा ग्रेड दिया गया है? डी ग्रेड, ई ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड? तो यहां पर स्पष्ट है, ये है हमारा आंसर, ई ग्रेड। व्हाट वॉज द स्टेट ऑफ द रिवर यमुना सम 50 years ago, लगभग 50 वर्ष पहले यमुना नदी की क्या स्थिति थी? क्लियर एंड क्लीन, पॉल्यूटेड, ड्राई, ब्लैक? तो यह है क्लियर एंड क्लीन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वुड थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू द रिवर यमुना, क्यों हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स यमुना नदी आते थे? टू फीड, टू प्ले, टू स्विम, ऑल ऑफ दीज। तो यहां आप देखेंगे कि जो पैसेज में दिया हुआ है वो है टू फीड, भोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट आर किरोनोमिट्स, ये किरोनोमिट्स क्या थे, क्या है, सॉरी, तो ये है वॉर्म्स। तो ये था हमारा पैसेज क्लास 9 बोर्ड एग्जाम 2024 से। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि वैसे तो ये क्लास 9 बोर्ड से है लेकिन यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं
और सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।